हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मटर का पराठा। आइए दिखाते हैं क्या सामग्री है। दोस्तों, हमने आधा किलो हरी मटर लिया है और ये 4-5 मिर्ची है, हरी हरी धनिया है, हरी लहसुन है, जीरा है, तेल है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और हींग। दोस्तों, पैन गरम है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच है। दोस्तों, तेल गरम हो गया, अब हमें इसमें जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 आधा चम्मच हींग डाल रहे हैं, 2 दोस्तों। अब हम इसमें हरी मटर डालेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है, उसके बाद अच्छी तरह से ढक देंगे 5 मिनट में। दोस्तों, 5 मिनट हो गया, अभी हम ऐसे ही इसको बीच में चलाते रहेंगे। जितने अच्छे से फ्राई होएगा उतना ही टेस्टी है। दोस्तों, अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, जीरा पाउडर 2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 2 छोटा चम्मच, अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, अच्छे से मसाला पक जाएगा, तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। दोस्तों, पानी याद रहे, इसमें एक बूंद भी नहीं डालना है। दोस्तों, हमने 3 पाव आटा लिया है, इसको जितना ही अच्छे से हम गूथेंगे उतना ही अच्छा पराठा होएगा। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको अच्छे से गूथना है, जैसे हम आटा रोज गूथते हैं। दोस्तों, हमने आटा गूंथ लिया है, अभी हम मटर देखते हैं। हरी मटर भी पक गई, अभी हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, तब तक हम हरा मसाला ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। दोस्तों, अगर आपके पास सिल बट्टा है उसमें भी पीस सकते हैं। अभी हम इसमें हरा मसाला मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है, अब हम पराठा बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमको लोई बनाना है, ऐसे 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 करना है उंगलियों के सहारे से। ऐसे ही भरना है, ऐसे इसका मुंह बंद करना है।
अभी हम इसमें आटा लगा के बेलेंगे। दोस्तों ऐसे इसको हल्के हाथ से बेलना है। हमने बेल लिया है, अभी हम तवा पे रखेंगे। तवा गरम है, अब हम इसे पराठा डालेंगे। दोस्तों ऐसे ही तेल लगा लेंगे, अगर आपके पास घी है तो घी लगा सकते हैं और ही टेस्ट बढ़ जाएगा। ऐसे हम बाकी के पराठे सेक लेते हैं बना के। दोस्तों हमारा रेसिपी बनके तैयार है हरा मटर का। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।